जयपुर जिले के चंदला और गौरिहार के 100 परीक्षण गृह पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। आलम ये है कि 100 परीक्षण करते वक्त डॉक्टर भी खासे दहशत में रहते हैं और कभी भी किसी हादसे का अंदेशा उन्हें भी सताता रहता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गौरिहार और चंदला के 100 परीक्षण गृह पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। डॉक्टरों की माने तो आला अधिकारियों से लेकर क्षेत्रीय बीजेपी विधायक तक इस बात की सूचना दी जा चुकी है, बावजूद इसके अभी तक ना ही इन 100 परीक्षण ग्रहों का कोई मेंटेनेंस करवाया गया और न ही नए 100 परीक्षण ग्रह स्वीकृत हो पाए हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर, जरा आप भी सुनिए। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। हम लोग तो ये सारी चीज़ें देख भी रहे हैं, हादसा हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से जर्जर और टूट चुकी है। कुछ जो दीवार खड़ी हुई है उसके ऊपर ईंटों की छत पड़ी हुई है, वो भी उसके ईंट भी टपकती है वहाँ से कभी कभी, और बरसात के समय में पीएम करना होता है। हालांकि उस पर कोई ऐसा प्राइवेसी के लिए कोई बाउंड्री वॉल भी नहीं है, कम से कम किसी को छुपाने के हम पीएम कर सकें, तो एक पॉलीथिन लगा कर जो आती है, पॉलीथिन आती है तो उसको लगवा करके दो लड़कों को खड़ा करके प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, वहाँ पर पीएम करते हैं। और डर हमेशा लगा रहता है कहीं ऐसा ना उसके ऊपर का ईंट हमारे ऊपर भी गिर जाए इस दौरान, या हमारे वर्कर जो पीएम कर रहे हैं उनको भी हादसा होने का डर कोई तरफ। लेकिन अभी तक कभी कुछ हो नहीं पाया, उसके लिए हमने काफ़ी सारे लोगों से, विधायक महोदय से और कलेक्टर साहब के यहाँ भी, अपने विभाग में भी सब जगह इस चीज़ की सूचना दी है, बट आज तक उसका कोई निराकरण हो नहीं, और पीएम करने की स्थिति वहाँ पर है नहीं है, लेकिन मजबूरियों के कारण करना पड़ा। यही हालात गौरिहार के, यही सेम कंडीशन गौरिहार की बिल्डिंग। जब इस संबंध में क्षेत्रीय बीजेपी विधायक से बात की तो उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि डॉक्टरों के साथ भी कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। देखिए, इसको मैंने याचिका समिति में रख दिया है और तो कई बार मैंने विभाग को लिखा है, मतलब इसको स्वास्थ्य मंत्री जी को भी लिखा है, और इस पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। और ये लोग भी नहीं बताते हैं कि अगर हम नहीं करवा सकते, हमारा विभाग नहीं करवा सकता, तो मुझसे कहें तो मैं ही करवा दूंगा यही, लेकिन कहना तो चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में आपने जो ये खबर बताई, मैंने कई बार इसको विधानसभा में भी लगाया कि जो मेडिकल में डॉक्टर जाएगा उसमें 100 परीक्षण करें, कहीं उनका ही 100 परीक्षण ना हो जाए। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, पूरा जर्जर है। और अब मैं ये विभाग के लोगों को सोचना चाहिए कि ये परेशानी है, तो मुझसे कहना चाहिए, मुझे बता देना चाहिए, प्रस्ताव बना देना चाहिए। चंदला और गौरिहार के 100 परीक्षण गृह पूरी तरह से जर्जर हैं। डॉक्टर भी पीएम करते वक्त खासे दहशत में रहते हैं। विधायक जी को भी इस बात की पूरी जानकारी है, इसके बावजूद भी कोई प्रशासनिक कदम ना उठाया जाना एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। चंदला से मनीष तिवारी और गौरिहार से प्रकाश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।